वेलकम टू रजा टेक वेब गाइज, आज की वीडियो ईपे अकाउंट के बारे में है। ये ईपे अकाउंट होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका मार्केट में कंपटीशन क्या है, मतलब ईपे अकाउंट क्या ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जो बाकी के एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही साथ ईपे अकाउंट बनाने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवालों का मैं जवाब लेकर के आया हूँ। गाइज, सबसे पहले आपको बता दूँ, ईपे एक तरीके का मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है जिसमें वर्ल्ड वाइड आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मनी ट्रांसफ़र आप बैंक टू बैंक कर सकते हैं तो ईपे अकाउंट की क्या ज़रूरत है। जी नहीं, ईपे अकाउंट एक बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे आप बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे करेंसी रेट होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता है बैंक को, और बैंक को आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये ट्रांसफ़र क्यों होता है। लेकिन ईपे अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईपे अकाउंट में आप सिंपली किसी को पैसे भेज सकते हैं या आप किसी को ये कह सकते हैं कि भाई मुझे पैसे भेजो, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी कंपटीशन की बात करें तो पेयोनियर अकाउंट अगर हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम पेपल यूज़ करते हैं कहीं से पैसे मंगाने के लिए। अगर आप भी कहीं से भी कोई दूसरी कंट्री से पैसे मंगाना चाहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी के लिए सबसे बेस्ट ईपे अकाउंट है। ईपे अकाउंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको शेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सपोज़ दैट अगर आप ये एप्लीकेशन किसी को शेयर करते हैं, वो अगर मेंबर आपके साथ जुड़ता है तो आपको पर मेंबर से जो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र से मिलेंगे, और इनकी ट्रांसफ़र फीस जो है वो भी काफ़ी हद तक बड़ी ही कन्वीनियंस है। तो इसको अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये एंड्रॉयड एंड प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फिलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों की लिंक दी गई है, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके जो है उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, चलो उसको देख लेते हैं। गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, वो लिंक से आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपॉजिट का ऑप्शन है, रिमिटेंस का ऑप्शन है, पे का है, एक्सचेंज का है, उसके अलावा करेंसी भी दी हुई हैं बहुत सारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। सिंपली आईडी बनाने के लिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास आईडी है तो आप लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइनअप पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपका पासवर्ड चाहिए, उसके अलावा अगर आपको किसी ने रिफ़र किया है तो रिफ़र आईडी डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो मेरा रिफ़र आईडी भी डाल सकते हैं। डालने के बाद एग्री एंड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, दो तीन आपके बारे में डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद सिंपली आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद रेमिटेंस पे अगर आप बात कर लें तो रेमिटेंस पे आप देखिए, अगर यूएसडी से अगर आपको किसी को पेमेंट मंगाना है, अगर आपको आपके वॉलेट में किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो सिंपली यहां से मुझे, जैसे मैं इंडिया से कंट्री से बिलोंग करता हूं तो रिसीविंग करेंसी में यहां पे मैंने इंडिया का मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, यहां पे देखिए पेमेंट मेथड आ गया है। यहां से मैं पेमेंट मेथड कर सकता हूं, ई वॉलेट में चाहिए, वायर ट्रांसफ़र चाहिए, कैश चाहिए, जिस भी तरीके से चाहिए मैं कर सकता हूं। करने के बाद ऑलरेडी मैंने इसमें अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर कर लिया है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में मैं अपना जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूं अपने अकाउंट में। फिलहाल अगर आपको किसी को देना है तो भी आप यहां से कर सकते हैं, किसी को भेजने वाला भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलेट देख सकते हैं, वॉलेट में देखिए यहां पे डिपॉजिट है, रेमिटेंस है, पे है, एक्सचेंज है। फिलहाल मेरे अभी वॉलेट में कोई भी तरीके के कुछ भी पैसे नहीं हैं तो सिंपली मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। उसके अलावा आपको चाहिए तो आप यूज़ करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी। वीडियो में मैंने आपसे बात किया था सर्टिफिकेशन एंड सेंटर की, तो सर्टिफिकेशन में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लेवल 1 का सर्टिफिकेशन मेरा वेरीफाइड है, क्योंकि मेरे पास $1000 से कम का ही ट्रांजेक्शन है। अगर मैं उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करूँगा तो मैं लेवल 2 का भी सर्टिफिकेशन वेरीफाइड कर लूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको इनका रेफरल प्रोग्राम भी देखना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। गाइस, जिस तरीके से देखा आपने, इसको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद एक छोटा सा चीज़, आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली आपका जो है थोड़ा डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस अकाउंट के थ्रू कहीं से भी पैसे आप मंगवा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। पैसे की बात है, वहाँ थोड़े प्रूफ तो लाजिम बनते हैं। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप
वन, स्टेप टू, दो तरीके के वेरिफिकेशन है, आप दोनों कर सकते हैं। या तो अगर आपको कम ट्रांजेक्शन करना है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो आप स्टेप वन वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप जिनसे भी पैसे मंगवाना चाहते हैं सिंपली आप उनको आपका ईमेल आईडी सेंड करिए, या तो फिर आप उनसे उनका ईमेल आईडी ले लीजिए। लेने के बाद ये ईमेल आईडी ईपे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए। ये ईमेल आईडी लेने के बाद आप पैसे का रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट करने के साथ साथ आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ईपे अकाउंट के बारे में बताई है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई हो। इसके अलावा आप इनके वेबसाइट पर भी जाकर के इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके और अलावा अगर किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, मैं इस पर बहुत ही जल्द आपको आपकी क्वेरी को क्लैरिफाई कर दूंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।